प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इन्फोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको गुज्जर सिंह भंगी जी की जीवनी सुनाएंगे। गुज्जर सिंह लाहौर पर रंजिल सिंह के कब्जे से पहले 30 साल तक शासन करने वाले त्रिमूर्ति में से एक नत्था सिंह नामक एक बहुत ही मामूली किसान के पुत्र थे। मजबूत और सुगठित गुज्जर सिंह ने अपने नाना गुरबख्श सिंह रोरारीवाला के हाथों खालसा की शपथ ली, जिन्होंने उन्हें एक घोड़ा भेंट किया और उन्हें अपने दल का सदस्य बना लिया। जब गुरबख्श सिंह बूढ़े हो रहे थे तो उन्होंने गुज्जर सिंह को अपने दल का प्रमुख बना दिया। जल्द ही ये दल हरी सिंह की सेना में शामिल हो गया, जो भारगी मिसी या सरदारी के प्रमुख थे। गुज्जर सिंह ने विजय और लूटपाट के अपने करियर की शुरुआत की। 1765 में उन्होंने गुरबख्श सिंह के दत्तक पुत्र लहिना सिंह और जय सिंह कन्हैया के सहयोगी शोभा सिंह के साथ मिलकर अफगानों से लाहौर पर कब्जा कर लिया। चूंकि लहिना सिंह रिश्ते में बड़े थे, इसलिए उनके मामा होने के नाते गुज्जर सिंह ने लहिना सिंह को शहर और किले पर कब्जा करने की अनुमति दी और खुद शहर के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो तब जंगल था। गुज्जर सिंह ने एक मिट्टी का किला बनवाया और लोगों को वहां बसने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पानी की आपूर्ति के लिए कुएं खुदवाए, मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनवाई। यह क्षेत्र, जो आज लाहौर के रेलवे स्टेशन का स्थल है, आज भी उनके नाम पर है और इसे किला गुज्जर सिंह के नाम से जाना जाता है। गुज्जर सिंह ने इसके बाद अमीनाबाद, वजरीबाद, सोधरा और गुज्जरवाला जिले के लगभग 150 गांवों पर कब्जा किया। फिर उन्होंने सुल्तान मुकर्रब खान से गुजरात ले लिया, जिसे उन्होंने दिसंबर 1765 में शहर की दीवारों के नीचे हराया। शहर और आसपास के इलाकों पर कब्जा किया और गुजरात को अपना मुख्यालय बनाया। अगले साल उन्होंने जम्मू पर कब्जा कर लिया, इस्लामगढ़, पुरीच, डीसीबी बटाला पर कब्जा कर लिया और उत्तर में भीमबर पहाड़ियों और दक्षिण में माझा देश तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अहमद शाह दुर्रानी के 8वें आक्रमण के दौरान गुज्जर सिंह ने अन्य सिख सरदारों के साथ मिलकर उनका कड़ा विरोध किया। जब जनवरी 1767 में दुर्रानी के सेनापति जहान खान 15,000 सैनिकों के साथ अमृतसर पहुंचे, तो सिख सरदारों ने अफगान सेना को खदेड़ दिया। इसके तुरंत बाद गुज्जर सिंह ने चरहत सिंह सुकरचकिया की सहायता से गपखरों के कब्जे वाले रोहतास के प्रसिद्ध किले की घेराबंदी की, जो उनके साथ सबसे अधिक मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था और जिसने अपनी बेटी राजकौर की शादी अपने बेटे साहिब सिंह से कर दी थी। गुज्जर सिंह ने उत्तर पश्चिमी पंजाब में युद्धप्रिय जनजातियों को अपने अधीन कर लिया और पोथोहर, रावलपिंडी और हसन अब्दल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 1788 में लाहौर में गुज्जर सिंह की मृत्यु हो गई। हमें सुनने के लिए, अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक वास्तविक तथ्यों और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।